देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और 133 कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं। जयपुर में 66, अजमेर में 44, टोंक में 7, कोटा में 6, नागौर में 4, जोधपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1868 हो गई है। भरतपुर में भी आज एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और भरतपुर में आज एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब तक 27 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है प्रदेश में। वहीं अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 26 जिलों में कोरोना का जो दायरा है वो अब बढ़ता जा रहा है और संख्या 1868 तक पहुँच चुकी है। लेकिन सुकून वाली खबर यह है कि अब तक 328 लोग भी ठीक हो चुके हैं। ये एक राहत वाली खबर है। 97 मरीजों को अब तक डिस्चार्ज किया गया है। तो लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, किस तरीके से कोरोना को हराना है। और ये तभी हो सकेगा जब हम सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, तभी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने जरूर दावा किया है, लेकिन उसे अभी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, सितंबर तक बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं और हॉटस्पॉट एरिया लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर, टोंक, कोटा, जोधपुर, ये कैसे इलाके हैं जहां पर पहले इतने केसेस देखने को सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब यहां पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। खासतौर से अजमेर की बात करें तो हॉटस्पॉट एरिया लगातार वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर से दरगाह क्षेत्र है वहाँ पर कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत की खबर यह भी है कि 328 अब तक लोग ठीक हो चुके हैं। ये एक राहत की खबर है, लेकिन अब लोगों को थोड़ा और गंभीरता से सोचना होगा। लॉकडाउन 2 का सख्ती से पालन जरूर करना होगा। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त न्यूज रूम से हमारे संवाददाता लोकेश शोला इस वक्त जुड़ चुके हैं। लोकेश, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कोरोना को लेकर और आपने देखा भी होगा कि जयपुर का रामगंज है वो लगातार हॉटस्पॉट बनता गया, लेकिन उसके बाद अब सामने आ रहा है अजमेर की बात करें या हम टोंक की बात करें या जोधपुर की बात करें या कोटा की बात करें, लगातार वहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जयपुर का रामगंज हॉटस्पॉट बना था उसी तरह से अब अजमेर, जोधपुर, कोटा, टोंक और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। ऐसे में बात करें तो अब 1868 कुल कोरोना पॉजिटिव अब तक 2 बजे तक सामने आ चुके हैं और आज की बात करें तो आज 133 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें बात करें तो जयपुर में 66 कोरोना पॉजिटिव और अजमेर में आज 44 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। ऐसे में जो ये संख्या है तो बड़ी संख्या है और इससे चिंता का जो बात है, माहौल है चिंता का, वो बनता नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से मॉडिफाई लॉकडाउन लागू किया गया, हालांकि जहां जहां कर्फ्यू लगाया गया था जिन क्षेत्रों में वहां पर ये मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर कुछ इनकी जो राहत दी गई थी और उसमें कहीं ना कहीं अब संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो लगातार नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों में सवाईमाधोपुर में जहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं था, वहाँ अब तक जो कोरोना पॉजिटिव संख्या 8 हो चुकी है, जो एक बड़ी संख्या कही जा सकती है। लेकिन जहाँ अब बात करें अजमेर के, अजमेर में जो मोची मोहल्ला है, जो दरगाह जो मोहल्ला है, दरगाह क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं।
उसी तरह बात करें तो जोधपुर, जोधपुर के जो नागौरी गेट क्षेत्र है, जहाँ पहले जो कोरोना संक्रमित जो एरिया आए थे वहाँ पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। हालांकि केंद्र से जो टीम आई है वो जयपुर के रामगंज और जयपुर के जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र है वहाँ का दौरा कर रही है, क्वारंटाइन सेंटरों में जा रही है, जयपुर जिला कलेक्टर परिसर में जाकर प्रशासन से इनकी वहाँ पर वार्ता कर रही है, किस तरह से वहाँ कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। हालांकि इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री भी लगातार विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से समन्वय बनाकर उनको निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना संक्रमण को रोका जाए। लेकिन अब जो चिंता का विषय बनता जा रहा है, जो अजमेर क्षेत्र है जहां आज एक ही दिन में 44 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा। बिल्कुल लोकेश, क्योंकि अजमेर 48 घंटे में लगातार वहां पर मामले बढ़े हैं, और टोंक की भी बात करें तो वहां पर 5 से 6 कर्मचारी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो वहां पर भी संख्या बड़ी है। जी बिल्कुल, भीलवाड़ा में जिस तरह से कल 5 मामले सामने आए थे जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा था। हालांकि भीलवाड़ा का जो एक मामला सामने आया था वो दरअसल SMS अस्पताल में ही इनकी कर्मचारी कार्यरत था, वो कोरोना पॉजिटिव आया। हालांकि उसके जो पीछे बीते 3 महीने से जयपुर में इस रुका हुआ था, तो उसका कहीं ना कहीं माना नहीं जा सकता है कि वो भीलवाड़ा का है, लेकिन उसका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो भीलवाड़ा है, ऐसे में उसको भीलवाड़ा में काउंट किया गया। लेकिन 4 एक दिन में भीलवाड़ा में भी सामने आना एक वो भी चिंता की बात है, क्योंकि 12 दिनों बाद में भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव आया है। ऐसे में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने पहले जो भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब वहाँ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से वहाँ की मॉनिटरिंग हुई थी, क्या वाकई वहाँ पर लापरवाही चल रही थी या फिर जो मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं खामी आई थी। लेकिन 4 कोरोना पॉजिटिव आना, अब उनके संपर्क में आने वालों को भी निर्देशित कर रहे हैं। हालांकि जो महात्मा गांधी अस्पताल में एक जो फार्मासिस्ट था उसके परिवार में कोरोना पॉजिटिव आना भी एक संदेह का दायरा है कि क्या वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ थी वो पर्याप्त व्यवस्थाएँ थी। और इन सब बातों को लेकर SMS वो माफी चाहूँगा, महात्मा गांधी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है कि वहाँ किस तरह की जो संपर्क में आए तो वो लोगों को उनको भी क्वारंटाइन करने की जो कोशिश है। बिल्कुल, और लोकेश, एक केंद्र की टीम जो है वो इस वक्त जयपुर आई हुई है कोरोना को लेकर, वो यहाँ पर लगातार जाँच भी कर रही है, मॉनिटरिंग भी कर रही है। अब तक की उनकी जाँच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी देखिए, केंद्र की जो टीम है वो कल रामगंज क्षेत्र में दौरा करके आई थी और आज क्वारंटाइन क्षेत्रों में दौरा करने गई है। SMS अस्पताल में भी गई है, मेडिकल कॉलेज में भी वो टीम गई है, वहाँ पर भी डाटा कलेक्शन कर रही है कि किस उम्र की किस तरह से संक्रमण फैला है, इन सब बातों का वो निष्कर्ष निकाल रही है। आज जिला प्रशासन के साथ भी मीटिंग हुई, वहाँ तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे, उनसे भी बात की कि किस तरह से संक्रमण रोकने का वहाँ प्रयास किया गया। इन्हीं बातों को लेकर जो केंद्र से टीम आई है वो लगातार विभागीय अधिकारियों से फीडबैक ले रही है, जो क्वारंटाइन सेंटरों में जा रही है, अस्पताल में जाके वहाँ का फीडबैक ले रही है, उसके बाद में ही वो निष्कर्ष निकालेगी और केंद्र को सौंपेगी। हालांकि जो केंद्र की टीम आई है वो निर्देशित भी कर रही है कि किस तरह से और जिला प्रशासन या चिकित्सा विभाग को वहाँ पे काम करना चाहिए, इन बातों को लेकर भी निर्देशित कर रही है ताकि संक्रमण रोका जा सके। इन सभी तमाम बातों को लेकर जो केंद्र की टीम आई है वो लगातार विभाग के अधिकारी से फीडबैक ले रही है और दिशा निर्देश दे रही है। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमें अपडेट दे रहे थे कोरोना को लेकर, किस तरीके से प्रदेश में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र की टीम भी इस वक्त जयपुर के रामगंज में उन्होंने दौरा भी किया बीती रात, उन्होंने कुछ वहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन हॉटस्पॉट जो एरिया हैं वो लगातार